बस अब इंतजार किया जा रहा है उन खिलाड़ियों का जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आपने अनुराग ठाकुर को भी सुना, उनका कहना है कि प्रदर्शन उनका बहुत काबिले तारीफ था और अब जब आएंगे तो यहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। अभी तक टोक्यो में जिस तरह से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, सभी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, चाहे बात वो वुमेन्स हॉकी टीम की हो या फिर अन्य खेलों में, चाहे बात हम रेसलिंग की करें, सभी तरफ से अच्छी खबरें आई। प्रदर्शन खिलाड़ियों का दिल जीतने वाला था और आज जिस तरह का प्रदर्शन रहा वो आप देखिए, जश्न मनाया जा रहा है और आप इसके साथ ही टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टीम इंडिया ने कैसे इतिहास रचा, अलग अलग गोल किस तरह से दागे गए और किस तरह से लगातार क्रमशः प्रदर्शन रहा। थोड़ा सा बता दीजिए कि जो दुआएं थी उन्होंने कितना असर किया था अपने बाकी की गुरुदारे मंदिरों में। मदर हर इन इंडिया शी इज गेटिंग इमोशनल इन एवरी सिंगल सेकंड, यू कैन सी हाउ द मंत्री एंड द एंटायर नेशन इज ड्राउंड इनटू द सेलिब्रेशन। तो इंडिया ने इतिहास रचा और 5 गोल किए। इंडिया ने जर्मनी के खिलाफ और जर्मनी को सिर्फ 4 पर रोक दिया। हालांकि आखिरी 6 सेकंड वो बहुत चिंता बढ़ाने वाले भी थे जब जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन उसी को रोकते हुए भारत ने ये जीत दर्ज की है, 5-4 से ये जीत हासिल की। और देखिए, देश भर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, घर के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं। मैं सहयोगी प्रदीप दत्ता के साथ जो कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि हॉकी खेलती भी हैं, उनके साथ उनका जश्न का तरीका क्या था ये आपको हमने दिखाया। कई जगह गिद्दा किया जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है, दोस्तों यही चीजें हैं जो अनेकता में एकता दिखाती है कि आप अलग अलग जगह से हैं, कल्चर अलग है, लेकिन जब भारत अपना परचम लहराता है तो सबका जश्न करने का तरीका एक सा होता है। विविधता में एकता, यही हमारे देखिए देश की संस्कृति है। और अलग अलग राज्यों से तस्वीर, और देखिए हाथ में मिठाई के डिब्बे, और क्यों नहीं होना चाहिए ये खुशी, क्यों नहीं चेहरे पे नजर आनी चाहिए, और जगह जगह नाच गाना भी क्यों ना हो। हमारी टीम ने इतिहास रचा है, ब्रॉन्ज हमारे नाम हुआ है। और अब देखिएगा ये तस्वीरें अभी, और मुझे लगता है दिन भर इसी तरह की तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। टाइम्स ऑफ नवभारत पर मुझे लगता है जो ना हर घर में यही तस्वीर होगी, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे, देखिए ये श्रीनगर से शायद तस्वीर है, रविंद्र रैना को हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वहां के, और हाथ में तिरंगा है। और वहां पर तो देखिए आज 2 साल भी पूरे हुए 370 अटे को, दोहरी खुशी है वहां की जनता के लिए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफी ऐतिहासिक दिन है आज भारत के लिए। और देखिए कितना शानदार प्रदर्शन किया है, एक एक करके 5 गोल दागे हैं भारत ने और जर्मनी को एक लास्ट गोल नहीं करने दिया। बिल्कुल, और एक के बाद एक 5 गोल दागे, और वो सभी बहुत पांचों बहुत ही बेहतरीन थे, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आगे क्या परिणाम होगा राजीव, लेकिन जैसे जैसे हम आखिरी पड़ाव में आए, इवन आखिरी के जो 10 सेकंड थे वो भी बहुत ज्यादा क्रूशियल थे।